दोस्तों आज अलग तरीके से बनाते हैं अंडा की भुजिया। ये तेल डाल दिया हमने और ये प्याज डाल दिया है, चार प्याज डाला है हमने, जितना अंडा डालना है आपको भुजिया में उसके हिसाब से प्याज डाल लें। तो मैंने 8 अंडे की भुजिया बनानी है, 4 प्याज डाल लिया है मैंने और 5-6 मिर्च डाल लिया है। तीखा अपने स्वाद अनुसार कर लें, जितना आप तीखा खा सकते हैं उसी हिसाब से तीखा डालें। मिर्ची डालें और अब हमें प्याज को अच्छे तरीके से भून लेना है। प्याज हमारी जो है कि एकदम ब्राउन हो जानी चाहिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी प्याज भून रही है। आज का तरीका हमने अलग अपनाया है अंडा भुजिया बनाने का। और इस तरीके से अंडा भुजिया बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनेगा। अब हमारी प्याज जो है ब्राउन हो रही है धीरे धीरे, और तो इस तरीके से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मात्र 9-10 मिनट में आपका जो है कि बन के तैयार हो जाएगा। इसमें नमक डाल लेते हैं, नमक डाल दिया हमने इसमें, क्योंकि मैं नमक बहुत कम खाता हूँ लाइट, उसके हिसाब से डाला है नमक मैंने। और ये प्याज में मिला देंगे कि थोड़ा सा प्याज जो है गल जाएगी जल्दी से। आज सबका मन था कि आज अंडा भुजिया खाएंगे और रोटी, तो ये हमारा अंडे की भुजिया हमारी तैयार हो रही है। प्याज तैयार होते ही फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर, बिना टमाटर के तो मज़ा आएगा नहीं। और बिना मसाले के बना रहे हैं, मसाला बिल्कुल नहीं डालना है, बस नमक हल्दी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, 2 टमाटर हमने काट लिया है छोटा बारीक। और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे जिससे कि कलर आ जाएगा अच्छा सा, इससे बढ़िया कलर आ जाएगा इसमें। अब टमाटर को हमें भूनना है इसमें, टमाटर गल जाए, और टमाटर गल जाता है तो भुजिया अच्छी बनती है। तो अंडा की भुजिया खाए बड़े दिन हो गए थे, आजकल डेली डेली मच्छी 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 चल रही है, मटन चिकन, तो आज हमने सोचा कि आज अंडे की भुजिया बना लेते हैं बढ़िया सा। और आप लोग भी इस तरीके को अपनाएं, एक बार बना के खाइएगा। ये देखिए हमारा हो गया तैयार।
और अब हम इसमें डालेंगे अंडा। प्याज टमाटर हमारा बिल्कुल ब्राउन होकर तैयार हो गया है, तेल छोड़ दिया है, और अब हम इसमें पहले तो दो अंडा इसमें डाल रहे हैं ताकि मिला दें अच्छे से प्याज में, कि प्याज नीचे लगे ना। इसको पूरा अच्छे तरीके से प्याज में मिक्स कर देंगे। एक साथ अगर सारा डालोगे आप छोड़ दोगे तो नीचे प्याज लग जाएगी। अब इसको अच्छे तरीके से पूरा प्याज में दो अंडा को मिला देना है, मिक्स कर देना है और फ्लेम कम कर देना है गैस का 0। अब इसके बाद जो बाकी अंडे जो हैं वो डाल देंगे हम। ये हमने डाल दिए अंडे सारे और फ्लेम अब तेज कर देंगे गैस का, और इसे अच्छे तरीके से इसको पूरा मिक्स कर देना है। इसमें प्याज और अंडा सारा मिक्स हो जाए कब बढ़िया से, फिर उसके बाद इसको भूनेंगे धीरे धीरे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है हमें। ध्यान देना है कि नीचे लगना नहीं चाहिए, उसे अच्छे तरीके से फोड़ देना है बढ़िया से, ताकि और ज़्यादा महीन नहीं करना है इसे फोड़ के। ज़्यादा महीन कर देंगे तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा छोड़ेंगे ताकि फूल जाता है फिर ये, इसमें ना जैसे ऑमलेट बनाते हैं तो फूलता है वैसे फूल जाता है, और फिर वो रोटी के साथ खाने में मज़ा आता है। भाई मुँह में पानी तो अभी से आने लगा। ये देखिए उसको 1-1.5 मिनट और फ्राई करेंगे इस पर, उसके बाद ये तैयार। बस अंडे की भुजिया तैयार बन के अपनी, और रोटी बनेगी गर्मा गर्म एकदम मस्त, मज़ा आएगा खाने में इसे। देखिए ऐसे रखना है इसको, ज़्यादा महीन नहीं करना है, और गैस कर दिया हमने बंद, और इसको थोड़ा सा
जला देंगे और ताकि नीचे लगे ना। और लोहे की कढ़ाई में बनाना, लोहे की कढ़ाई में बनाने में स्वादिष्ट बनता है। और ये हमारी देखिए बन के भुजिया होगी तैयार, बढ़िया एकदम लाजवाब, बेहतरीन खुशबू आ रही है भाई। ये देखो ये हमारी अंडे की भुजिया तैयार होगी बन के रेडी। और आप लोग भी इस तरीके को अपनाएं और बनाएं। बेस्ट ऑफ लक।